मुरादाबाद के हिंदू संगठनों ने पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आरोप लगाया कि 14 फरवरी वैलेंटाइन डे पर उन्हें गैर कानूनी तरीके से 8 घंटे तक हिरासत में लेकर उनके साथ मारपीट और अभद्रता की गई। नगर संत रामदास ने एसपी सिटी और सीओ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मुरादाबाद नगर संत के नाम से पहचाने जाने वाले संत रामदास ने आज हिंदू संगठनों के दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना विरोध दर्ज कराया। इन लोगों ने विरोध स्वरूप जय श्री राम के नाम का उद्घोष करते हुए अपनी बात कही। दरअसल मामला 14 फरवरी वैलेंटाइन डे का है। उस दिन शिवांगी अग्रवाल नाम की युवती द्वारा मुस्लिम युवक जुनैद के साथ शादी के बाद स्थानीय होटल फ्लेवर में रिसेप्शन करने के लिए कार्ड बंटवाए गए थे, जिनकी भनक लगने पर मुरादाबाद के सभी हिंदू संगठनों ने होटल मालिक से बात करते हुए कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया था। इनका आरोप था कि उक्त युवती ने पहले ही धर्म परिवर्तन कर लिया था, अब कार्ड पर आने पर हिंदू को दर्शाकर हिंदुओं के सम्मान को ठेस पहुंचाई गई। इसके खिलाफ युवती के अपार्टमेंट के बाहर धरने पर बैठ गई दर्जन हिंदूवादी संगठनों ने जुड़े कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लेकर शादी का कार्यक्रम भी पुलिस की मौजूदगी में करा दिया था और 60-70 हिंदू कार्यकर्ताओं को रिजर्व पुलिस लाइन में बंद करके सीओ सिविल लाइन एसपी सिटी अमित आनंद ने कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता और मारपीट की गई थी, जिससे आहत होकर आज नगर संत रामदास ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मुरादाबाद पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजा है। इनकी मांग है दोनों अधिकारियों का निलंबन होना चाहिए। विषय कुछ नहीं था कि 14 फरवरी 2020 को एक हिंदू लड़की द्वारा 7 साल पहले लव अफेयर चल रहा था, उसने धर्म परिवर्तन कर लिया था। 3 साल पहले धर्म परिवर्तन करके उसने शादी कर ली। 6 महीने पहले उसने कोर्ट मैरिज की और अब 14 फरवरी को, जो कि वैलेंटाइन डे, जिसका हम लोग हिंदू समाज विरोध करता है, इस पर इन्होंने एक शादी का आयोजन रखा। तो इसको जब ही शादी का आयोजन रखा तो इसको सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हमने कहा हमें कोई आपत्ति नहीं है कि तुमने धर्म परिवर्तन किया, हमें कोई शादी का मतलब नहीं है, लेकिन तुमने इसको सोशल मीडिया पर वायरल क्यों किया, इसके पीछे तुम्हारी मंशा क्या थी। जब इसका विरोध कर रहे थे तो हमें प्रशासन ने हमें उठाकर गिरफ्तार किया, हमारे संग बदतमीजी की। तो इसी विरोध में जब हमारे संग बदतमीजी की, एसपी सिटी और सीओ सिविल लाइन ने हमारे संग बदतमीजी की, मेरे कपड़े फटे और 2 लोगों को अंदर मारा और सुबह से रात के 1 बजे तक भूखा प्यासा रखा, बैठने तक के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी और बिल्कुल हम खड़े रहे, इतनी गंदगी में रहता हूँ, धूल गंदगी हो रही थी, बैठे रहे। इसी विरोध में हमने एक ज्ञापन दिया कि यहाँ के एसपी सिटी और सीओ सिविल लाइन को तत्काल प्रभाव से